जहां रायबरेली का आधुनिक रेल पहिया कारखाना अक्टूबर अंत तक उत्पाद शुरू कर देगा, ये कहना है केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का। रेल पहिया कारखाने का निरीक्षण करने पहुंचे कुलस्ते ने कहा कि पहिया उत्पाद के लगभग सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं और जल्द ही 1,00,000 सालाना की दर से पहियों का उत्पादन शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि इसके रूटीन उत्पादन का कार्य अक्टूबर के आखिरी तक शुरू हो जाएगा और इसे राष्ट्र को समर्पित करने पीएम मोदी भी आ सकते हैं। नियत कोई मनसा नहीं देगी, मैंने कहा कोई मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने तो देश के लिए प्लांट लगाया, रेलवे के लिए लगाया, हमारा ये पहला प्लांट है और इसलिए कोई इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है या हिंदे शुरू की देगी। कोई ना कोई इसकी स्टार्टिंग करेगा, कोई ना कोई इसको जनता को समर्पित करेगा, तो ठीक है उनका समय था। आज इसको पूरा करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी स्वयं हम लोगों को बोलते आए हैं कि इसको जितना जल्दी उसने करा सकते हैं कराइए, देश के लिए ये हमारा प्रोटेक्शन करो, जितना हो सकता है जो रिक्वायरमेंट है देश की, रेलवे की जो ज़रूरत है उसको पूरा करो और उस आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी ज़रूर है इसको ट्रायल करने में जो समय लग रहा है तो स्वाभाविक तौर से टाइम थोड़ा लगता है। और इसी बीच रायबरेली